उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में भी लगातार संक्रमित मरीज घट रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री व प्रभारी मंत्री मुरादाबाद डॉक्टर महेंद्र सिंह आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि सभी लोग टीकाकरण को लेकर तेजी के साथ काम करें। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि मुरादाबाद में जो स्थिति पहले थी, अब वो स्थिति लगातार सुधरती जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है और सरकार और प्रशासन मिलकर संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए काम कर रही है। सभी लोग सहयोग करें। प्रदेश सरकार के जल शक्ति और जनपद प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर आज मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने रेलवे मनोरंजन सदन में चल रहे टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीकाकरण कराने आए लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं को भी जाना, साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन कराने के प्रति जागरूक भी किया। जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय और एमसीएच विंग महिला चिकित्सालय L2 कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों का हाल जाना। प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने निरीक्षण के बाद दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक ली। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली कि जनपद में कोरोना महामारी के दौरान किस स्तर पर काम किया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर भी प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनपद में अब तक कितने लोगों के टीके लग चुके हैं और टीकाकरण को तेजी के साथ किया जाए, जिससे जनपद मुरादाबाद के सभी लोगों का टीकाकरण जल्द से जल्द हो जाए। प्रभारी मंत्री ने बैठक के दौरान ये भी कहा कि सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोविड-19 गाइडलाइन का सभी शहरवासी पालन करें। ग्रामीण क्षेत्रों में जांच कार्यों के साथ वैक्सीनेशन के कार्य को भी कराया जाए। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, एडीएम फाइनेंस प्रीति जायसवाल, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, नगर आयुक्त संजय चौहान, सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK प्रेमी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, MLC डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो के साथ जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक संपन्न करने के बाद प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में जो कोरोना-19 की महामारी चल रही है, उसी के दृष्टि से मुरादाबाद जिले में आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके पहले मुरादाबाद आए थे और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद के कारण से मुरादाबाद की व्यवस्थाएं बहुत सुव्यवस्थित तरीके से चली, जिसका परिणाम है कि आज हमारा मुरादाबाद काफ़ी कुछ हद तक कोरोना पर नियंत्रण कामयाबी करने में सफल हुआ है। बड़ी बात है कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद और जिस तरीके से भारत सरकार ने सहयोग प्रदान किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अथक परिश्रम, कोरोना बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद ऐसे ठीक हुए उन्होंने तुरंत जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया। जो होम आइसोलेशन में लोग थे उनसे संवाद स्थापित करना, कमांड सेंटर को देखना, अस्पतालों का निरीक्षण करना और इन सब चीज़ों का परिणाम यह हुआ कि 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में कुल 3,10,783 केस थे, एक्टिव केस, वो घट करके आज 84,880 केस पर आ गया है। लगभग 2,25,000 केसों में कमी आई है उत्तर प्रदेश में और इस कमी के आधार पर जहां उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल को हम 38,055 पर पहुंच गए थे, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 3,700 यानी 3,700 केस पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। इतनी तेजी के साथ गिरावट और उस पर नियंत्रण स्थापित करना और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की व्यवस्था की गई, जिसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी किया, पूरे भारत में इसकी तारीफ और चर्चा हो रही है। टेस्टिंग को बढ़ाया गया, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर एक दिन में 3,07,000 टेस्ट करके एक रिकॉर्ड बनाया गया और अभी तक कुल 4,62,00,000 से ज़्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं।
और इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे मुरादाबाद में भी जहां हम लोग 30 अप्रैल को 9455 एक्टिव केस थे, आज की तारीख में एक्टिव केस 1107 रह गए हैं। यानी उसकी गिरावट के आधार पर अगर हम देखें तो जहां उत्तर प्रदेश में 2,25,000 केस घटे हैं, वहीं पर हमारे मुरादाबाद में 8,328 केस घटे हैं। पॉजिटिविटी रेट अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में उस घटाव के आधार पर आज की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम लोग लगभग 1.5% पर आकर स्टैंड कर रहे हैं, और वहीं पर हमारे इस मुरादाबाद में भी हम लोग 1 से 1.5% पर आकर के स्टैंड कर रहे हैं। डेथ रेट भी उत्तर प्रदेश में 1% से नीचे आ गया है, और हमारे यहाँ पर 0.97% मुरादाबाद में है, और इस आधार पर हम डेथ रेट में भी बहुत तेज़ी के साथ कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, नीति आयोग कहती है कि 5% से नीचे होना चाहिए, और आज उत्तर प्रदेश उसमें 1.5% पर खड़ा है, और हमारा मुरादाबाद भी 1.5 से 1.25% पर खड़ा है। आप कल्पना करिए कि 5% से नीचे और 1.5% 1% पर ले आना, यानी तेज़ी के साथ इस पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। और इसी के साथ साथ जो वैक्सीनेशन का काम हो रहा है उसमें भी अभी उत्तर प्रदेश ने 1,63,00,000 वैक्सीनेशन कराया है। हमारे मुरादाबाद में भी लगभग 2,00,000 वैक्सीनेशन हो चुका है। यहाँ पर 70 स्थानों पर जो सेशन चल रहे हैं, 70 सेशन चल रहे हैं, और 33 स्थानों पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। और उसके बाद यहाँ अधिकारियों के साथ हमने बैठक किया, एक एक चीज़ पर अच्छे ढंग से सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, कम्युनिटी किचन, टेस्टिंग, ट्रेस, ट्रीट, और इसके साथ निगरानी समितियों का काम, RRT का काम, सभी कामों पर हम लोगों ने विस्तार से यहाँ पर चर्चा की है। और निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य, हमारे संगठन के दोनों अध्यक्ष और आदरणीय मंत्री जी का जो आशीर्वाद है, सब लोग मिल करके सामूहिकता के साथ बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब किसी को कोई समस्या नहीं आने पाएगी। मेडिकल की किट उनके घर पहुँच रही है, हलचल भी ले रहे हैं, सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा रहे हैं, और पूरी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण स्थापित करने में मुरादाबाद सफलता हासिल कर रहा है।